हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके किचन से ही आपको रोज मिल जाएगा। ये ही फर्टिलाइजर है टी लीव्स फर्टिलाइजर, यानी कि चाय की पत्ती से बना फर्टिलाइजर। रोज हमारे घर में जो चाय बनती है उसकी पत्ती को हम इस तरह से छन्नी में छान लेते हैं। ये ही पत्ती आपको रोज कलेक्ट करके रखनी है और इसको वॉश कर लेना है ताकि इसमें जो शुगर है या मिल्क है वो वॉश ऑफ हो जाए। हमने इसको वॉश कर लिया है, अब हम इसे सुखाने के लिए 3 या 4 दिन अच्छी धूप में रख देंगे जिससे कि ये सूख के एकदम ड्राई हो जाए और हम इसको एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकें। ड्राई होने के बाद ये टी लीव्स फर्टिलाइजर कुछ इस तरह का दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अदरक और इलायची हम लोग डालते हैं, जिंजर और कार्डमम, वो सब मैंने रिमूव नहीं किया है क्योंकि मुझे लगता है ये भी ऑर्गेनिक मैटर है और हमारे सॉइल में मिलने के बाद धीरे धीरे डीकम्पोज हो जाएगा और हमारी सॉइल को किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसे हमारे सॉइल में ऐड करने के लिए बेसिकली 3 तरीके हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज दैट यू कैन ऐड इट डायरेक्टली टू योर कॉम्पोस्ट बिन। अगर आप कॉम्पोस्ट बना रहे हैं घर पे तो डायरेक्टली उसमें ही इसको ऐड कर दीजिए ताकि बाकी सब चीजों के साथ ये भी डीकम्पोज हो जाए। दूसरा मेथड ये रहता है कि जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं उससे पहले इसको सॉइल में थोरली मिक्स कर दें। और तीसरा मेथड ये है कि अगर कोई प्लांट ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप उसमें थोड़ी सी गुड़ाई करके इसको मिक्स कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, हल्की फुल्की गुड़ाई करके। विदाउट डिस्टर्बिंग द मेन रूट हम इसको इस तरह से सॉइल में ऐड कर सकते हैं और मिक्सअप कर सकते हैं। चाय की पत्ती का जो फर्टिलाइजर है इसमें बेसिकली टैनिक एसिड होता है जो कि हमारी सॉइल की पीएच लेवल को लो करता है और हमारे सॉइल में एसिडिटी को इंक्रीज करता है। ये जो फर्टिलाइजर है ये एसिड लविंग प्लांट्स के लिए बेस्ट है और साथ ही साथ जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे आपके रोज है, मोगरा है या फिर हिबिस्कस जिसे हम हिंदी में गुड़हल कहते हैं, और मनी प्लांट के लिए भी ये फर्टिलाइजर बहुत ही बेनिफिशियल है। आप देख सकते हैं इसके लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कम्प्लीटली फ्री है, रोज हमें हमारे किचन से ही अवेलेबल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है या बजट फ्रेंडली है। साथ ही साथ ये बहुत ही इको फ्रेंडली है, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स इसमें एडेड नहीं है अलग से, और ये हमारे सिटी वेस्ट को भी रिड्यूस करता है। तो एक तरह से हमारे सिटी को क्लीन रखने में, हमारी अर्थ को क्लीन रखने में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे प्लांट की ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। ये सॉइल में जब मिक्स हो जाता है तो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस को बढ़ाता है जिससे हमारे रूट्स को ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। और जैसा कि आप जानते हैं प्लांट्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी रूट्स के थ्रू ही डिराइव करते हैं, तो ओवरऑल प्लांट की हेल्थ को अच्छा करने में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। इवन वी कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो किड्स फ्रेंडली। अगर छोटे बच्चे भी आपके घर में हैं जो गार्डनिंग करने में इंटरेस्टेड रहते हैं तो वो भी आसानी से इसका यूज कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम उनको कोई केमिकल फर्टिलाइजर देते हैं तो हमें बहुत ही एक डर बना रहता है कि बच्चों ने हैंड्स वॉश किए या नहीं किए। ऑन द अदर हैंड ये जो टी लीव्स फर्टिलाइजर है ये बच्चों के लिए भी यूज करने में भी ईजी है और उनके लिए हार्मफुल भी नहीं है। ये फर्टिलाइजर हमारी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट भी इंक्रीज करता है और इसी के साथ एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का भी कंटेंट इंक्रीज करता है। एडिशनली हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप टी बैग्स का यूज करते हैं तो टी बैग्स का जो आउटर कवर होता है उसे रिमूव करके ही चाय की पत्ती निकालें, क्योंकि टी बैग्स कई बार ये होता है कि कम्प्लीटली डीकम्पोज नहीं हो पाते हैं, इसीलिए टी बैग्स को रिमूव करके ही चाय की पत्ती का यूज करें। साथ ही साथ इसे वॉश करना इसलिए बहुत जरूरी है चाय की पत्ती को सुखाने से पहले, ताकि इसमें शुगर कंटेंट जो भी प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाए जिससे कि हमारे प्लांट में बाद में चींटी या दूसरे टाइप के इंसेक्ट्स ना आए। तो इस तरह से हमारा ये जो 100% फ्री, नेचुरल, इको फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली एंड किड्स फ्रेंडली फर्टिलाइजर है,
हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है हमारी फ्लावरिंग प्लांट्स में ज़्यादा फ्लावर्स लाने के लिए। इनफैक्ट हमारी वेजिटेबल प्लांट्स में, फ्रूट्स के प्लांट्स में भी ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। बट यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग दैट केवल एसिड लविंग प्लांट्स में ही इसको डालें। अदरवाइज जो दूसरे प्लांट्स होते हैं जिनको न्यूट्रल सॉइल या अल्कलाइन सॉइल पसंद होती है उनके लिए ये शायद अच्छा प्रूफ ना हो। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन दैट यू हैव टू यूज ओनली लिमिटेड क्वान्टिटी ऑफ दिस फर्टिलाइजर डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर प्लांट। आपके प्लांट का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग बहुत थोड़ी सी फर्टिलाइजर ये ऐड करनी है हर 15 डेज में, और आपको जज करना है कि आपका प्लांट इस फर्टिलाइजर को लेकर कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो आप थोड़ी क्वान्टिटी और बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आपको क्वान्टिटी कम करनी पड़ेगी। और हर 15 डेज में ही डालें क्योंकि ज़्यादा टी लीव्स फर्टिलाइजर यूज करने से भी हमारा प्लांट की लीव्स जल। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।